चलिए फ्रेंड्स, इसको एक तोड़ते हैं। बिस्मिल्लाह। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें, लगाते हैं। शामिल बोल रहे हैं को पिंक फ्लावर पहनना है। यहाँ पे जरीन की जो है ये ड्रेस, जरीन का ड्रेस जो है मामा ने पूरा स्टिच किया है सीधा। ये देखिए फ्रोजन वाला, पीछे से इस टाइप का है और आगे से इस तरह सेम बिल्कुल फ्रोजन की तरह। जरीन आज ईद उल फितर का मना, जिसका इंतजार था ईद उल फितर का फर्स्ट डे। आज चले फिर आज थोड़ा ठीक क्या है मुझे उम्मीद हो कि आप सबकी भी इस तरह हमारी तरह ही अच्छी तरीके से ईद जारी होगी इंशाल्लाह। एंड फ्रेंड्स, हमें तो मतलब बहुत मजा आ रहा है। अभी हम आए हैं आउटिंग पे, और सुबह को उठी नमाज जरा पढ़ी तो शाम का वक्त हो रहा है तकरीबन। अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं एंड हम यहाँ पे आए हैं फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जी हाँ, गार्डन के टाइप है, मतलब लाइक पीछे से ग्रीनरी, हाँ मतलब ग्रीनरी टाइप, ग्रीनरी वगैरह है। हम आज आए स्पेशली ब्लॉगिंग के लिए, उसके अलावा फोटोशूट के लिए और थोड़ा पार्क वगैरह, मतलब इस तरह। जी हाँ, पार्क है पीछे से तो इट्स लुक सो प्रीटी, ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है पिक्चर्स के फोटोशूट के लिए भी। फोटोशूट तो फ्रेंड्स बस भी इम्पोर्टेंट, फर्स्ट पे ब्लॉग, सेकंड पे फोटोशूट, या श्योर सही बात है। तो यहाँ पे गाइस सनफ्लावर इतना प्यारा लग रहा है, आपको क्या बताऊँ। सो फ्रेंड्स, हमने सोचा कि जो है थोड़े थोड़े लोग करें, मेरा जो है फ्रॉक का कलर वो पेंसिल की तरह, आई मीन पेंसिल की तरह, और जरीन फ्रोजन बनी है। सी दैट, इसने तो अपने फ्रॉक का कलर भी ब्लू, मतलब फ्रोजन जो है। जी हाँ, इन्होंने फ्रोजन टाइप के, और शाफिन ने आपने हमारे न्यू ड्रेसेस कैसे लग रहे हैं कभी नहीं बताइएगा। सो फ्रेंड्स, एक निकाल लेते हैं हम फोटो जल्दी जल्दी से। आज ओके फ्रेंड्स, फोटो डन हो गई एंड चलिए जरीन की। तो भाई बड़ी अच्छी फोटोशूट होगी है ना जरीन, बाय बाय। अब जाओ, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है जरीन फ्रेंड्स। एंड इसके बाद जो है ऊपर आगे सन आ रहा है, तो इसलिए मेरे फाइनली आई फाउंड माय ग्लासेस, मुझे फ्रेंड्स अपने ग्लासेस मिल गए। तो फ्रेंड्स, हम चले थोड़ा सा ड्रेस का, क्लोथ्स का हम थोड़ा कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। सो शाफिक ने ये तो है, अब जाते हैं टेलर के पास, बिकॉज ही इज मैन, सो दैट्स व्हाई आई मीन बॉय। सो यहाँ पे जरीन की जो है ये ड्रेस, जरीन का ड्रेस जो है मामा ने पूरा स्टिच किया है सीधा। ये देखिए फ्रोजन वाला। सो फ्रेंड्स, जरीन ने इस बार बोला था कि जो है मुझे ना फ्रोजन वाला ड्रेस चाहिए, तो इसलिए मामा ने इनको फ्रोजन वाला बना दिया। देखिए पीछे से नेक, देखिए इसका गला पीछे से इस टाइप का है, और आगे से इस तरह सेम बिल्कुल फ्रोजन की तरह। जरीन यहाँ बिल्कुल फ्रोजन लग रही है। और फ्रेंड्स देखिए जरीन का कितना प्यारा है, देखिए फ्रॉक का घेर है, सो बिल्कुल घेर के पीछे से ये लगाया है बिल्कुल फ्रोजन वाला, जैसे जाती है तो क्या जो स्नो में घूमती है। सो ये देखिए जरीन की जब चश्मा उतारा, आई मीन ग्लासेस उतारा, तो बिल्कुल सब नेचुरल नज़र आ रहे हैं। चलो फिर से पहन लेते हैं। सो फ्रेंड्स, बाकी मैं आपको बता दी कि मेरी बर्थडे वाला ड्रेस है वो मेरी मम्मा ने बनाया था, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल, इतना अच्छा बना था। वो आप लोग यूट्यूब पे जाकर, यूट्यूब पे मेरी बर्थडे वाला ब्लॉग भी देख सकते हैं, एंड उसके बाद आप लोग इंस्टा पे मेरी आईडी पर सर्च कर सकते हैं। तो देखो थोड़ा शॉपिंग उधर, ओके शाफिन ने इधर फ्रेंड्स चील बनवाई है, इसको बड़ा शौक चढ़ा था चील बनवाने का। तो इनके लोफर्स, कसम्स लोफर्स, आई मीन सिंपल लोफर्स नहीं है इन्होंने। सो अभी मेरी मेरी और शाफिन क्या है, इक्वल लग रही है ना। तो ये कलर तुमने कहाँ से मतलब चूज किया था?
बस ये मार्केट या ऐसी ही हाल है। अच्छा, सो फ्रेंड्स, हमारा मेरा भी कोई इतना ज़्यादा कलर वगैरह का नहीं था कि भाई कलर सोचेंगे फिर लेंगे। मैंने भी जस्ट ऐसी मार्केट गई, अच्छा लगा तो पापा ने बोला ले लो, मतलब पापा ने बोला ले लो। अक्सर इस पार्क में आते रहते हैं तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है हमें इस पार्क में। देन उसके बाद जो है, अभी फ्रेंड्स आज हम आए फ्रेंड्स, मेरे मामू मेरी पिक्चर कैप्चर कर रहे थे रैंडम, कितनी खूबसूरत आई है, तो मैं उनको बोलती हूँ वाओ। सो फ्रेंड्स चले अब हम थोड़ा पूरा पार्क घूम लेते हैं। पार्क विजिट करना है अभी। एंड फ्रेंड्स, मैंने हील पहनी है यार, की मुश्किल हो गई चलने में लिटरली फ्रेंड्स। और ये जो ग्लासेस है वो इतना लूज है, मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स आप लोगों को। ओके चले फ्रेंड्स, तो जो है मैं आपको क्या बताती थी कि जो है इस पार्क में हम अक्सर आते रहते हैं क्योंकि ये ना बहुत खूबसूरत पार्क है और इधर ना फ्लावर्स वगैरह है ना, फ्लावर्स वगैरह की वजह से ना और प्यारा लगता है फ्रेंड्स। एक तो ग्रास ग्रीन है, फिर उसके बाद ट्रीज हैं फ्रेंड्स रॉक की वजह से, क्योंकि यहाँ नीचे कांटे हैं बिल्कुल, तो इसलिए फ्रेंड्स आज जो है ना इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ईद पर। वैसे तो हम नहीं जाते आउटिंग पर, मतलब ईद हो, बड़ी ईद हो, बड़ी ईद पर तो वैसे कुर्बानी वगैरह तो इसलिए नहीं जाते, छोटी ईद पर भी नहीं जाते हम, कज़न्स वगैरह पास चले जाते हैं, लेकिन जो है ना आउटिंग पर कहीं नहीं जाते। तो आज ही हम आए हैं इधर आउटिंग पर, तो मतलब काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है अभी फ्रेंड्स, प्रॉपर फील हो रहा है कि आज ईद है एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन याद रहा था ऑल टाइम तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि ईद है, लेकिन अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ ईद है, बहुत मज़ा आ रहा है, एक्साइटमेंट एक जो है फ्रेंड्स, लेकिन वो ख़त्म हो गई एक्साइटमेंट। तो जी फ्रेंड्स, जरीन भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थी, मम्मा मैं फ्रोजन कब बनूंगी, मैं फ्रोजन कब बनूंगी, उनको सिर्फ फ्रेंड्स ये था कि मैं फ्रोजन बनूंगी, क्योंकि उनको तो गेटअप उनका फ्रोजन हुआ था ना, तो इसलिए। तो मुझे ना बोलती है हुरैन तुम बताओ क्या तुम बिल्कुल जो ना ये रुपेंजल की तरह लग रही हो, अच्छा बोलती है कि ना वो बिल्कुल उसका भी पर्पल कलर का फ्रॉक होता है ये, वो मैंने बोला अच्छा थैंक यू तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। फिर मुझे बोलती है कि रुपेंजल की तरह बहुत प्यारी लग रही हो, तो मैंने बोला थैंक यू तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, मैंने उनका से बोला। वैसे बहुत प्यारी लग रही है जरीन। फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि मैं ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ शाफिन या जरीन, मतलब तीनों बताइएगा कि मतलब कौन सा लग रहा है। मुझे तो अलहमदुल्ला सब अच्छे लग रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैं अपने आप को बहुत पसंद हूँ फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स पर्पल कलर के फ्लावर्स मेरे ड्रेस पर मैच है, चले फ्रेंड्स इसको एक तोड़ते हैं बिस्मिल्लाह। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखें लगाते हैं। फूल लगे हुए थे पर्पल कलर के, तो मैंने डार्क पर्पल लेकर यहाँ पे लगा दिया फ्रेंड्स। अच्छा लग रहा है, थैंक यू माय लव, सो प्रीटी फ्रेंड्स, बहुत प्यारी लग रही है। ओके बोला कि मैं अच्छी लग रही हूँ, सो इट्स मीन बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा भाई है, मेरा भाई। लेकिन वो छोटा है, लेकिन उसकी शेप इनसे डिफरेंस है, ऑरेंज की शेप डिफरेंट दैन ऑल फ्लावर्स, इसकी जो है सब मिक्स है ना आंख ना बस। एंड देन इसके बाद वो वाइट वाइट और कितने प्यारे वाइट है, पर्पल है, दिन का आज आई थिंक सो जो मेरे टॉप में भी लगा हुआ पिंक है। सो फ्रेंड्स शाफिन बोल रहे हैं मुझे पिंक पिंक जो है क्या करना है, पिंक फ्लावर पहनना है। शाफिन बोल रहे हैं को पिंक फ्लावर पहनना है। ये पार्क इतना बड़ा है मैं आपको क्या बताऊँ। तो हम जो है ऐसा जैसे सफारी पार्क है ना, लेकिन उसमें ना इतना ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह नहीं है, यहाँ पे ना फ्लावर्स है ना तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। मेरा फ्लावर कहाँ गया, फ्लावर पता नहीं कहाँ से, ये ना कहाँ गया।
भाई मेरा फ्लावर ही पता नहीं कहाँ चला गया फ्रेंड्स, शाफिन के चक्कर में है ना शाफिन, तुम्हारी वजह से मेरा फ्लावर ही पता नहीं कहाँ चला गया। सो फ्रेंड्स इतना बड़ा पार्टी था, हम थोड़ा सोच रहे हम थोड़ा आगे चले। शाफिन कैसे आवाज़ें निकाल रहे। सो फ्रेंड्स शाफिन को सिर्फ सिर्फ पिक्चर की लगी हुई है बस। एंड इसका सो फ्रेंड्स आज इस तरह फील हो रहा है कि ना थोड़ा रोज़ा रोज़ा था, अजीब सा फील हो रहा है। मैंने ऊपर वाली मस्जिद मैं ना और भी नज़र आ रही हूँ वहाँ से। फ्रेंड्स मैं जब पानी पीती हूँ तो मतलब आज मैंने पूरे दिन में तकरीबन 3-4 बार पानी पिया, मैं समझ रहा हूँ मेरा रोज़ा फिर याद रहा है, यार रोज़ा तो ख़त्म हो गए। सबका हो रहा है फोटो सेशन एंड शाफिन जी कर रहे हैं अपना फोटो सेशन। शाफिन और बामू साथ लगे हुए हैं, जरीन पापा ये साथ लगे हुए, मैं और मामा व्लॉगिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, आई मीन कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो शाफिन भाई जिस दिन इसको फोटोज के लिए कैमरा मैन अच्छा मिल जा रहा उस दिन इसने भाई व्लॉग नहीं बनाना, कभी कभी इसका दिल करता है भाई मैं व्लॉग बनाऊँ, लेकिन चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ सनफ्लावर। चलते हैं, कोई मसला नहीं बेबी, ये डरने लग रहा थोड़ी फ्रेंड्स, मेरे सारे बाल नहीं आ रहे, निकालो निकालो। ओके फ्रेंड्स ये कांटा लग गया, चले लेट्स गो, चलते हैं सनफ्लावर की तरफ, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स ये देखिए ये सनफ्लावर है, कितना प्यारा है माशा से, इतने सारे सनफ्लावर लगे हुए हैं फ्रेंड्स लाइन पर इस तरह, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, लुक्स सो प्रीटी नेचुरल्स, एक पिक्चर ही क्यों ना हो जाए। फ्रेंड्स उड़े के सब अपनी पिक्चर्स को लगे हैं, मामू वो खड़े हैं अपनी वो वीडियो बना रहे हैं, एंड यहाँ पे पप्पा जरीन और शाफिन बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। और मैं यहाँ पे अपनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। चले फ्रेंड्स आगे चलते हैं, यहाँ पे जो ग्रास वाला एरिया है ना वहाँ पे ना मेरा फ्रॉग फंस रहा है, तो इसलिए मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है चलने में, ऊपर से सैंडल फ्रेंड्स ना पूछ। ये पार्क इतना प्यारा है, यहाँ पे अलग अलग लुक्स हैं, यहाँ पे जिस तरफ जाएगा भाई उस पर फ्लावर्स हैं, सनफ्लावर ग्रास एवरीथिंग फ्रेंड्स, ये इतनी खूबसूरत ब्यूटी सी है। सो फ्रेंड्स शाफिन आप लोग जो है यहाँ पे, मेरे साथ शाफिन नहीं है तो वो कह रहे हैं कि जी थक गए हमें बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स जो थकेंगे ना रात को भी 2:30 से 2:30 तक, एंड सुबह को 6:30 पापा ने उनको उठाया नमाज के लिए। फ्रेंड्स पता है ईद नमाज तो मस्त इंपॉर्टेंट होती है, तो ईद नमाज के सुबह को उठे तो फिर अपने फ्रेंड्स सबसे मिले, फिर जब तक वो घर आया तो हम भी सब उठ गए, हम सब उठे दैन फिर मामा वाले, फिर खाना वाना नाश्ता वगैरह किया, दैन नाश्ता करके फिर नमाज पढ़ी जहर की नमाज पढ़ के फिर सारा रेडी होते होते फिर से तो दैन उसके बाद जो है शाम हो गई पिक्चर सुबह करने के लिए दैन सुबह फ्रेंड सभी बहुत ज़्यादा थक गए, वो एक जगह पर बैठे हैं बोल रहे मैं बहुत थक गया हूँ मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमने बहुत घूम लिया, बहुत इंजॉय किया, और अभी वहाँ से मतलब मगरिब का टाइम भी हमारा टाइम आ गया पार्क से बाहर जाने का। चले फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हमने मज़ा किया पार्क में, पिक्चर्स निकाली, व्लॉग बनाया, और पार्क भी काफ़ी मतलब बहुत बड़ा है तो उसमें जो है हमने पूरा आई थिंक सो पूरा एक्सप्लोर किया, जहाँ पर ग्रास वगैरह था वहाँ पर तो इतना ज़्यादा क्यों नहीं। सो फ्रेंड्स चले अब हम मिलते हैं आपको पार्क से निकल कर। फ्रेंड्स फाइनली जी अब हम थोड़ा घूम फिर के आ गए, तो हमने सोचा कि अभी थोड़ा सा जो है ना हम रिफ्रेशमेंट वगैरह करें, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है लिटरली फ्रेंड्स। शाफिन तुमने गाड़ी लॉक की है जल्दी हो गई? ओके गुड, ओके फ्रेंड्स चलें, कार लॉक करना इज मस्ट बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज चोरी का आप लोग को तो पता होगा फ्रेंड्स। चले शाफिन आओ कहाँ गए? फ्रेंड्स शाफिन के शूज़ का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। सो फ्रेंड्स अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सुबह का नाश्ता क्या था, प्लान तो चल रहा है कि रात का डिनर भी बाहर से, चलो फ्रेंड्स वो तो देखते हैं हम, वो तो देखते हैं लेकिन होगा सही रात का डिनर, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। फ्रेंड्स मैं पकड़ लेती हूँ एक जूस बिकॉज आई डोंट वॉन्ट आइसक्रीम। फ्रेंड्स मेरी मम्मा ने ये लिया है वेवी, तो मुझे वेवी नहीं पसंद। शाफिन क्या ले रहे हैं? शन क्या ले रहे हो? उसको तो बंद करो फ्रेंड्स, बड़े भूखे हो, भूखे किस्म का बच्चा है फ्रेंड्स यार, तो सही मेरे किस्म की कोई चीज़ नहीं पड़ी यार। मैंने 500 की चीज़ ली है ये देखें, एंड इसके बाद ये क्या चीज़ है? अच्छा आइसक्रीम, ये कुल्फी है फ्रेंड्स जो कि मुझे नहीं पसंद, तो पहले मैंने सोचा कि मैं आइसक्रीम नहीं लूँ लेकिन अब ली है मैंने चोक बार लिए फ्रेंड्स। तो चले ये चीज़ की शॉपर है, ये आई थिंक पता नहीं किस किस की चीज़ है,
चले मैं रखती हूँ अपना, खाती हूँ अभी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स शाफिन ने स्टिंग ली है। सो फ्रेंड्स अभी हम जी कार में हैं एंड बहुत ज़्यादा थक गए हैं लिटरली। अभी टाइम हो रहा है रात के 10 बजे का। सो फ्रेंड्स आज का ईद का दिन बहुत अच्छा गया। फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का ईद का दिन कैसा गया। सो फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर चैनल एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।